हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज फिर से एक नई वीडियो के साथ अपने चैनल पे आया हूँ। और जो लोग अपने बालों के लेकर काफ़ी परेशान हो चुके हैं, जिनके सर का बीच का जो पार्ट्स होता है खाली हो चुका है, बाल नहीं है, एकदम से गंजापन हो चुका है और निराश हो चुके हैं। काफ़ी दवा करके उनके सर पे बाल नहीं आ रहे, तो आज मैं उनके लिए बताने वाला हूँ कि उन्हें क्या करना है। क्या उनको डॉक्टर से जाकर किसी सलाह लेने की जरूरत है या कुछ महंगी दवाएं लेने की जरूरत है? नहीं, आप अपने पैसों को वेस्ट काफी कर चुके हैं, इसलिए आज मैं आपको एक लोशन के बारे में बताने वाला हूं कि आप जहां पर बाल्ड हो चुके हैं, आपको मिनिमम 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ का कोर्स होता है, बट आपको 1 मंथ में ही उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। 1 मंथ में बाल आ जाएंगे आपके। तो आज हम उस लोशन के बारे में बात करने वाला हूँ, वो कौन सा लोशन है। तो प्लीज दोस्तों, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को आगे भी शेयर कर देना, ताकि जो लोग अपने बाल्डनेस से परेशान है, गंजेपन से परेशान है, उनको उस बाल्डनेस में सहायता मिले। और जो लोग इस ऑयल को यूज करते हैं, इस लोशन को यूज करते हैं, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि उसका क्या फायदा मिलता है, या आपको फायदा मिला कि नहीं। क्योंकि दोस्तों, मैंने खुद यूज किया हुआ है, खुद पे यूज किया हुआ है, इसके लिए मैं आपको इस के बारे में बता रहा हूँ। ये हमारे इंडिया में काफी महंगा मिलेगा, लेकिन जो लोग यूएई में रहते हैं उनके लिए काफी बेस्ट है। तो उस ऑयल का मैं नाम बताने वाला हूँ, नियो हेयर लोशन। आप कैमरे में देख सकते हैं ये ऑयल ओरिजिनल, ये आपका मेड इन थाईलैंड का होना चाहिए। 120 ml का आता है, ग्रीन वेल्थ का, मेड इन थाईलैंड का ही होना चाहिए। किसी दूसरे प्रोडक्ट को आप यूज नहीं करना है, नहीं तो आप मेरे वीडियो को देखकर आप परचेस करेंगे, फिर आपको बेनिफिट नहीं होगा, तो आप हमें बताएंगे कि हमने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया। तो आपको नियो हेयर लोशन यूज करना है। आप फिर से इस कैमरे में ठीक से देख सकते हैं, नियो हेयर लोशन ये आपका मेड इन थाईलैंड का होना चाहिए। इस पर देखिए, लोगो भी ओरिजिनल का लगा हुआ है। आपको इसे काफी बारीकी से देख करके लेना है। ये आपको, जो लोग यूएई में रहते हैं ऑनलाइन परचेज करेंगे, इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है, ये आपको 120 में मिल जाएगा, 120 दिरहम में। और जो लोग हमारे इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग इस ऑयल को मंगाना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं, उनको डायरेक्ट नहीं मिल पा रहा है, तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे जा करके देख लेंगे, उनको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा कि आपको कैसे परचेज करना है इस ऑयल को। ये आपको इंडिया में 4 से 5 हज़ार का पड़ जाएगा। आपको 3 मंथ का कोर्स होगा, बट आपको 1 महीने में ही असर दिखना शुरू हो जाएगा, आपके सर पे बाल आ जाएंगे छोटे छोटे। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका सर पूरी तरह से साफ हो चुका है, पूरा गंजा हो चुका है, जिन पे बाल आने के कोई आसार ही नहीं दिख रहे हैं। तो देखिए, ये आपको न्यू हेयर लोशन हो गया। अब इसके साथ में एक चीज और है जो मैं लेके आया हूँ, डर्मा रोलर। ये भी काफी कंपलसरी है, बिना इसके सही नहीं होने वाला। आपको इसके साथ में डर्मा रोलर भी यूज कर रहे हैं, ये 10-15 दिरहम का मिलेगा। इंडिया में 250 से 300 तक में अच्छा डर्मा रोलर मिल जाएगा। आपको डर्मा रोलर कितने mm का होना चाहिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात होती है कि डर्मा रोलर कितने का होना चाहिए, 1 mm, 2 mm। तो देखिए, अभी मेरे पास जो डर्मा रोलर है 0.5 का है, 0.5 से 0.75 या 0.1 mm का ही आपको लेना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देख लीजिए डर्मा रोलर दिखता कैसा है, हम ये भी देख लेते हैं डर्मा रोलर कैसा दिखता है, हमें कैसे यूज करना है डर्मा रोलर को। देखिए, डर्मा रोलर आपको कैसे यूज करना है, ऐसे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपको गंजा होना है, या आप अपने सर पे गंजा नहीं होना चाहते, इसे चलाएंगे तो नहीं चलेगा। सिर्फ वहीं पे यूज करना है जहां पे आपने को बाल्डनेस या पूरे बॉडी में, पूरे हेड में मारना चाहते हैं आपको, जहां पे बाल नहीं है, तो पहले आपको इस डर्मा रोलर को यूज करना है। तो आपको इसके साथ में क्या क्या सावधानी बरतनी है, आपको देखिए, हल्का शैम्पू करना है, काफी नहीं, कोई हल्का सा शैम्पू लेने का, बालों को अच्छी तरह से साफ कर लेने का, ताकि सर गंदा ना रहे।
जब हेड सूख जाए तो आपको इस डर्मा रोलर का यूज करना है उस पे, सर पे देखिए, एक बार ऐसे घुमाना है, एक बार फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे घुमाना है आपको, ताकि ये डर्मा रोलर काम कर सके। मेन ये डर्मा रोलर का आपके अंदर जो इन्फेक्शन होंगे, आपको जब बॉडी में जमा होगा, जो हेड में जमा होता है, उन्हें निकाल देता है। फिर आपको इस ऑयल को इस पे स्प्रे करना है हल्का से, उसको कोई तेल यूज नहीं करना है। देखिए इस टाइम पे आपको कोई तेल यूज नहीं करना है कि आप कोई तेल लगा लिए, कोई बेनिफिट नहीं है। आपको सिर्फ ये डर्मा रोलर यूज करना है 1 महीने तक, ये हेयर लोशन यूज करना है, और कोई भी ऑयल यूज नहीं करना, कोई हल्का से नहीं। इस लोशन को लगाने के बाद कोई अच्छा सा टिश्यू पेपर से अपने सर को पोंछ लेने का, और हेड गंदा नहीं होना चाहिए। आपको फर्स्ट टाइम आप देख लीजिए आपको डर्मा रोलर दिखता कैसा है, कैसे यूज करना है। हमने आपको बता दिया कि आपको ऐसे करके यूज करना है अपने सर पे, जहां पे बाल नहीं उसको घुमाना है, ज्यादा तेजी से नहीं। अगर डर्मा रोलर टूट गया तो देखिए काफी आवाज करना लगेगा, क्योंकि इसमें देखिए छोटे छोटे से वायर है, आपको दिख रहा होगा कैमरे में, छोटे छोटे से वायर काफी सारे लगे हुए जो काफी नुकीले है। ये आपके बाल उगाने में आपका सहायता करेगा। तो देखिए जो लोग इंडिया से हैं और वो उस ऑयल को मंगाना चाहते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में करें, उन्हें डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरे जाकर के ऑयल को परचेज कर सकते हैं। अपना कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि इस ऑयल से आपको क्या फायदा हुआ। तो देखिए एक आपको इसके साथ में कोई पिल्स नहीं लेनी है, कोई मेडिसिन नहीं लेने की, आपको कोई मेडिसिन लेनी है, हाँ भाई इसके साथ में मेडिसिन खाना है। और ये 100% 5 रेटिंग है, ये भी नहीं कोई लोकल है, 5 रेटिंग है। काफी लोगों को मैंने बताया और उन्होंने इसको यूज भी किया हुआ है और उन्हें काफी सारा बेनिफिट हुआ है। तो इसके लिए आज मैंने सोचा क्यों ना एक लोगों को वीडियो के जरिए बताया जाए किस लोशन को यूज करने से फायदा क्या। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, ये लोशन उन्हीं लोगों के लिए जिनको पूरा बाल्डनेस हो गया, सर पे एक भी बाल नहीं है, उन्हें लगता है कि अब जिंदगी में कभी बाल आएगा नहीं। तो आइए हम क्यों ना इस लोशन को एक बार यूज करके देखें। ये लोशन मेड इन थाईलैंड का, फिर से मैं बता रहा हूँ, मेड इन थाईलैंड का ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि डुप्लीकेट प्रोडक्ट मेड बाजारों में काफी ज्यादा उपलब्ध हो जाते हैं और हम उनको यूज कर लेते हैं, फिर हमें लगता नहीं ये प्रोडक्ट तो बेकार है। और ये देखिए ग्रीन वेल्थ का ही होना चाहिए, ग्रीन वेल्थ साइट से आप परचेज कर लेने का। तो देखिए इस ऑयल को यूज करके हमें बताना कि आपको कैसे बेनिफिट हुआ, कैसे नहीं हुआ, या आपको कैसे यूज करना, आपको अधिक कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।